अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से कपकेक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और उसके साथ हमारे ये जो फ्लफी से कपकेक्स हैं ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी से हमारे कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं और देख सकते हैं आप इसका टेक्स्चर। अब एक मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ, तो देखें कितने ज़बरदस्त हैं और कितने जालीनुमा हमारे जो कपकेक्स हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो चले बच्चों को आप लंच बॉक्स में ये ज़रूर बना के दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 4 अदद अंडे। अंडे हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर के यूज़ किए हैं। साथ ही यहाँ पर हम इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हम डिवाइड करके ऐड करेंगे 2-3 पार्ट्स में। थोड़ी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, फिर हम इसको बीटर से मिक्स करेंगे। दोबारा से शुगर ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके फिर ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। जितनी भी हमारे पास शुगर बची है सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको बीट करेंगे। इतनी देर हमें इसको बीट करना है जब तक कि हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से फॉर्मी फॉर्म में ना आ जाएं। 2-3 मिनट हो चुके हैं अंडों को बीट करते हुए। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2-3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर। अब दोबारा से हम बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। देखें वनीला एसेंस और जो हमने फूड कलर ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, ये भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब जितना भी बचा है ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। देखिए अंडे हमारे अच्छे से बीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने फॉर्मी फॉर्म से हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बीटर को एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमने एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इस तरह से छानते हुए हम इसको ऐड करेंगे। तो 2-3 पार्ट्स में हम इसको ऐड करेंगे और फिर विस्क की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल आराम से आपने इसको फोल्ड करना है। दोबारा से इसमें मैदा ऐड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम सारा ऐड कर लेंगे, इसको अब हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। साइड से भी हम इसमें ऐड कर लेंगे वरना साइड पे अक्सर जो मैदा है वो ड्राई रह जाता है। बिल्कुल अच्छे से हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हुआ है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर बैटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक कप केक्स की ट्रे ली है, अब इसको हम ब्रश की मदद से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे मोल्ड्स को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर हम इनमें कप्स लगा देंगे और इनको भी हम ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे कप केक्स हैं वो चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से हम सब पे कर लेंगे। देखिए सबको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा बैटर था इसको हमने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था ताकि जब हम इसको फिल करें कप्स को तो ये आसानी के साथ फिल हो जाएं। तो इस तरह से हम इनको फिल कर लेंगे। इनको हम पूरा नहीं फिल करेंगे, इनको हम हाफ़ फिल करेंगे क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये हाफ़ जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हम सारे फिल कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने सारे फिल्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इनको 1-2 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाए। और अब हम इनको बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले ही 10-12 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 पे। अब हम इनको 20-25 मिनट के लिए 180 पे बेक कर लेंगे। तो चले अब हम इन्हें ओवन में रखते हैं। 25-30 मिनट हो चुके हैं और कपकेक्स हमारे यहाँ पे अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम एक स्कीवर लेंगे और इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं स्कीवर बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है हमारे कपकेक्स जो हैं वो अच्छे से बेक हो चुके हैं। देखिए कपकेक्स हमारे यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चेक भी करवाऊँगी। तब यहाँ पर हम इसका बटर पेपर उतारेंगे और देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से, कितने फ्लफी और स्पंजी से हमारे कपकेक्स जो हैं ये बनकर रेडी हुए हैं। आप इसका स्पंज भी चेक कर सकते हैं, देखिए कितने स्पंजी हुए हैं।
और देखें इनका टेक्सचर कितना जाली नुमा है, कितने ज़बरदस्त हमारे कपकेक्स बेक हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।